2012-13 के आसपास स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी आई थी, जिसने हमें आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा दिए, जिस जो नेशनल क्रश बन गए थे सारे टीनेजर्स को, बड़े बुजुर्गों को और अडल्ट लोग सबको वो बहुत पसंद आए थे। अब जितनी अच्छी मूवी थी, इस मूवी के गाने उतने ही सुपर हिट थे। उस समय के सारे गाने, इस मूवी में जितने भी गाने थे सारे एक से एक गाने थे, और इश्क वाला लव मेरा फेवरेट सॉन्ग है उस मूवी से, क्योंकि ये जो गाना है, ये गाना जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव भी है। जब हम इसे गिटार पे जाते हैं तो बहुत अच्छा साउंड भी करता है, इसके गिटार पार्ट्स जिस तरह से यूज़ किए गए हैं। तो आज हम यही गाना सीखने वाले हैं। मैं हूँ ललित, आप देख रहे हैं सिर्फ गिटार, चलिए साथ में सीखते हैं। तो चलिए कॉर्ड्स की तरफ देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाना बहुत ही सिंपल है, बहुत मेलोडियस है, लेकिन इसमें जो कॉर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, बट घबराने की बात नहीं है, हम आपको आसान तरीके से ही सिखाएंगे। हाँ, मेहनत लगेगी आपको थोड़ी बहुत, बट मेहनत करने के बाद जब आप इसे बजाना शुरू कर दोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इस सॉन्ग का जो ओरिजिनल स्केल है वो है सी शार्प माइनर। अब उसे आसान रखने के लिए हमने कैपो को रखा है 4th फ्रेट पर, ठीक है, जिससे कि अब आपको पूरे बार कॉर्ड्स नहीं बजाने होंगे, और जो मैं आपको कॉर्ड्स बता रहा हूँ वो सारी शेप्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे। एग्जाम्पल, जब मैं कहूँगा ए माइनर, एक्चुअली हम सी शार्प बजा रहे हैं, बट शेप हमारा ए माइनर वाला होगा, तो सारे कॉर्ड इसी तरह से आप फॉलो करेंगे। तो सॉन्ग में जो कॉर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, सी, ई माइनर, डी माइनर, जी शार्प डिमिनिश एंड G7। ये कुछ कॉर्ड्स हैं, घबराओ मत, आएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। और एक चीज़ और नोटिस अगर आपने करी है तो F को मैंने, F मेजर या G मेजर जब हम बजा रहे हैं तो मैं पूरा बार नहीं बजा रहा, मैं सिर्फ 5-4-3-2 इन स्ट्रिंग्स पर ही अपनी फिंगर्स को रखा है मैंने, और ये कॉर्ड्स हम प्ले कर रहे हैं। सेम फॉर G, ताकि हमारा जो ट्रांजिशन है कॉर्ड्स का वो थोड़ा आसान रहे। तो ये थे सॉन्ग के कॉर्ड्स। अब आइए देखते हैं कि स्ट्रमिंग या फिर हम पिकिंग इस सॉन्ग में कैसे करें। तो अगर स्ट्रमिंग पैटर्न या पिकिंग की बात करें, इस गाने में मोस्टली पिकिंग का ही इस्तेमाल किया गया। तो देखते हैं इसका पिकिंग पैटर्न क्या क्या है। इस गाने में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सॉन्ग दो तरह के पिकिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको पहले म्यूटेड में सिखाता हूँ कि वो क्या है। जो पहला पिकिंग पैटर्न है वो है हमारा थंब, जो कि बेस नोट प्ले करेगा, एंड हमारी फिंगर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो कि 4th, 3rd एंड 2nd स्ट्रिंग्स पर रहेंगी और उन्हें प्लग करेंगी, ठीक है, एंड देन उसके बाद एक स्लैप आएगा। ये हमारा पहला पिकिंग पैटर्न हुआ। जो दूसरा पिकिंग पैटर्न है ये इससे मिलता जुलता ही है। यहां पे जो हम प्लग कर रहे हैं हमारी फिंगर्स के साथ, उसे दो बार प्लग करेंगे, तो ये पिकिंग पैटर्न हो जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि आप भी इसे इस तरह म्यूटेड स्ट्रिंग पर प्रैक्टिस करें, एंड देन उसके बाद जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं तब आप कॉर्ड्स के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। अब जब आप कॉर्ड बजाएंगे तो ये पिकिंग पैटर्न कुछ ऐसा साउंड करेगा। ये हमारा दूसरा पिकिंग पैटर्न और पहला। आप ध्यान देंगे जब मैं स्लैप कर रहा हूं तो यहां से भी मैं अपना प्रेशर कॉर्ड से रिलीज कर दे रहा हूं, मेंटेनिंग द शेप, ताकि जो म्यूटेड है वो म्यूटेड ही रहे। ओके, तो ऑलमोस्ट पूरे गाने में इसी तरह से हमें इन दोनों पिकिंग पैटर्न का इस्तेमाल करना है। अब जब प्ले थ्रू आप देखोगे तो कई जगह पे मैंने सिंगल स्ट्रम का इस्तेमाल किया है या फिर सिंगल पिकिंग किया है, एक सिंगल प्लक। तो आप भी जब प्रैक्टिस करने बैठें और आप अगर इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं और आपको ऐसा मन लगे कि आपको थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइज करना है, तो आपके पास उसकी पूरी फ्रीडम है। बट बेसिक स्ट्रक्चर इस सॉन्ग का कुछ ऐसा ही होगा। चलिए हम प्ले थ्रू के साथ देखते हैं इस गाने को कैसे बजाएंगे। वाला लव होता है जो
हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी आंखें मल के मैंने देखी है सुबह। हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा। छाके बादलों की जाली के पीछे से घर जाने ही मुझको इतना लेके नूर सा आज दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि मुश्किल भी लग रहा हो, बट घबराने की बात नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार में बहुत मुश्किल लग रहे हैं ये सारे कॉर्ड चेंजेस, पैटर्न्स, प्लकिंग में अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, तो आप इस पूरे प्ले थ्रू को डिवाइड कर सकते हो। आप ऐसे वर्स का एक सेक्शन ले लो, फिर कोरस का एक सेक्शन ले लो, उन्हें एक एक सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करो एंड देन फिर एक एक करके उन्हें कंबाइन करो। इससे हमारा प्रोसेस और आसान हो जाता है और बजाना फिर आगे जाके बहुत आसानी से हम किसी भी गाने को, सिर्फ ये गाना नहीं, आप अगर जो भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो वो सारी चीज़ें इस तरह से आसान हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो आपके जो भी सुझाव हैं, आप कोई नया गाना सीखना चाहते हो, कोई टेक्निक सीखना चाहते हो, आप हमें कमेंट करके बताएं और हम आने वाले समय पे उस पर काम करेंगे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। मैं हूं ललित, आप देख रहे हैं सिर्फ गिटार। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।